केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए 2021-22 के लिए पारित किए गए बजट के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में किया गया। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बहुत संतुलित है। उन्होंने बताया कि पहली बार देश के इतिहास में पेपरलेस बजट को पारित किया गया है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। बजट में शिक्षा, किसानों, देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बेहतरीन बजट पेश करने पर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद पत्र भेजा जाएगा और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्र प्रकाश उर्फ गोली सिंह, पार्षद अजय राय सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जानकारी कर लीजिए। 50 करोड़ नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्या आपका 10 करोड़ 50 करोड़ का रहेगा? 45 डकार ना चाह रहे हैं। डायरेक्ट आया है, मैं देखे मैं सोचना आपके तरफ से सब कोई चाय पार्टी होती है। लेकिन कमरा कहाँ है सर? अरे कमरा यहाँ कुछ तो है, तो हमारा भी आ गया है सर। बैठक किस संदर्भ में की आज? मुझसे पाता भी लेगा सभी पार्षदों के साथ एक मीटिंग इस बात को लेकर के नगर निगम गोरखपुर में रखी गई थी कि 2021-22 का बजट भारत सरकार द्वारा रखा गया है वो सबसे बड़ी विशेषता उसकी है कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट आया है। और साथ ही साथ इसमें हमारी वित्त मंत्री जी ने और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने जो संतुलित बजट पेश किया है वह देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सभी वर्गों को का ध्यान रखा गया है, किसानों का, व्यापारियों का, और शिक्षा सुरक्षा पर भारी रकम आवंटित की गई है। हमें उम्मीद है कि यह भारत के ढांचे को मजबूत करेगा और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार होगा। इसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया है और हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पार्षदों और यहाँ की जनता की सहमति से भेज रहे हैं। यह हमारा दायित्व बनता है कि अच्छे काम की सराहना की जाए।